नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 55 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता, भिन्नों की पहचान एवं तुलना की समझ विकसित कर पाना। तो इस कार्यपत्रक में हम भिन्न की जो समझ है वो पक्की करेंगे और उनके आपस में तुलना करना भी सीखेंगे। तो पहला प्रश्न दिया इसने, निम्नलिखित भिन्नों में से उचित और विषम भिन्नों को छांट कर अलग अलग लिखिए। तो इस कार्यपत्रक में हमें उचित भिन्न और विषम भिन्न को अलग अलग छांट कर लिखना। उचित भिन्न में अंश है वो हर से छोटा होगा और विषम भिन्न में अंश है वो हर के बराबर होगा या बड़ा होगा, तो वो सारी संख्याएं विषम भिन्न कहलाएगी। अब इसके आधार पर हम इनको अलग अलग बांट लेते हैं। 3/4 ये उचित भिन्न हो जाएगा। 9/7 इसमें अंश हर से बड़ा है तो ये आ जाएगा विषम भिन्न में 9/7। 11/15 यह उचित भिन्न हो जाएगा। 8/11 यह भी उचित भिन्न हो जाएगा क्योंकि इसमें अंश है वो हर से छोटा है। 11/11 इसका अंश और हर दोनों बराबर है तो ये विषम भिन्न में आ जाएगा 11/11। 5/3 भी विषम भिन्न हो जाएगा। 8/3 भी विषम भिन्न हो जाएगा। 8/10 इसका अंश हर से छोटा है तो ये 8/10 उचित भिन्न हो जाएगा। 17/12 ये अनुचित भिन्न या विषम भिन्न हो जाएगा। 12/19 ये उचित भिन्न हो जाएगा 12/19। इस प्रकार हम इन दोनों प्रकार की जो भिन्न संख्या उनको अलग अलग छांट लेंगे। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ अनुचित भिन्न दे रखे उनको मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो पहले में इसने उदाहरण हल करके बताया है, 7/4 को 1/3/4 लिख सकते हैं मिश्र भिन्न के रूप में। उसी प्रकार दूसरे में 11/10, तो 11 में 10 का भाग या एक बार, शेष रह गया एक बार और बट्टे में आ जाएगा 10। तीसरे में 9/5, तो 9 में 5 का भाग या एक बार, शेष पर रह गया 4 और बट्टे में आ जाएगा 5, 1/4/5। उसी प्रकार चौथे में 18/11, तो 11 का भाग या एक बार, शेष रह गए 7 और बट्टे में 11, 1/7/11। इसी प्रकार पांचवे में 25/19, 19 × 19 फिर शेष रह गए 6 और बट्टे में आ जाएगी 19, 1/6/19। छठे में 18/17, तो 17 × 17 शेष 1 रह जाएगा और बट्टे में आ जाएगा 7, 1/1/7 ये इसका मिश्र भिन्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्न के रूप में लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ मिश्रित भिन्न दे रखी है उनको हमें अनुचित भिन्न में बदलना है। पहला उदाहरण इसने हल करके बताया, 7/4/9, 7 को 9 से गुणा किया, 9 × 7 = 63 और 63 में 4 जोड़ दिया 67, 67/9 इसका अनुचित भिन्न हो गया। इसी प्रकार दूसरी संख्या 6/1/2, तो 6 को 2 से गुणा किया 12 और 12 में 1 जोड़ा 13/2, ये इसका अनुचित भिन्न हो जाएगा। तीसरा 5/3/4, तो 4 को 5 से गुणा किया 20 और 20 में 3 जोड़े 23, 23/4 इसका अनुचित भिन्न हो जाएगा। चौथा 11 को 2 से गुणा करेंगे 22 और 22 में 1 जोड़ देंगे 23, 23/2 इसका अनुचित भिन्न हो जाएगा। पांचवा 8/6/7, 7 को 8 से गुणा किया 7 × 8 = 56 और 6 जोड़े 62, 62/7। छठे में 6/4/9, तो 6 को 9 से गुणा किया 54 और 54 में 4 जोड़े 58, 58/9 ये अनुचित भिन्न हो जाएगा इस मिश्र भिन्न का। अब प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ भिन्न दे रखे हैं उनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो हमें इस स्थिति में ध्यान में रखना है, तो भिन्न संख्याओं को जब हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो हमें ध्यान में रखना है ऐसी संख्या जिनके हर समान आ रहे हैं। तो जिस संख्या का अंश छोटा होगा वह संख्या भी छोटी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो इस आधार पर हम इनको क्रम वाइज लिख लेते हैं आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो 1/7 ये सबसे छोटी संख्या है, उसके बाद आ जाएगी 2/7, फिर 4/7, 5/7 और 6/7। तो ये स्थिति होती है जिन संख्याओं के हर समान हो। दूसरे में हर समान नहीं है, इसमें अंश समान है। ऐसी संख्या जिनके अंश समान है, तो जिस संख्या का हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी, तो वो संख्या पहले आ जाएगी। जैसे इसमें 1/11 ये छोटी संख्या सबसे, इसके बाद 1/8, 1/11 से बड़ी हो जाएगी 1/8।
उसके बाद 1/5, 1/4 और 1/3, इस प्रकार इनको हम आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। पांचवा प्रश्न है, सत्य असत्य कथनों को छांटिए, जिसमें पहला कथन दिया यदि दो भिन्नों में हर समान हो तो दोनों भिन्नों में छोटे अंश वाली यदि दो भिन्नों में हर समान हो तो दोनों भिन्नों में छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, यह कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि जिस संख्या का अंश छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी। दूसरा, यदि दो भिन्नों में अंश समान हो तो दोनों भिन्नों में बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है, यह कथन सत्य हो जाएगा। इस आधार पर हमने ये दूसरा चौथे का दूसरा भाग हल किया था। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्य पत्रक 55 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्य पत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।